नमस्कार, मैं रविश कुमार, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा। सिर्फ एक दिन में बनारस के दशाश्वमेध घाट पर बैठकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यह नाटक लिख दिया। 1881 का यह नाटक 2017 में भारतेंदु जी के ही बनाए संस्थान में लौट आया है। भारतेंदु जी ने एक स्कूल की स्थापना की जो आगे चलकर कॉलेज बना और आजकल चल तो रहा है मगर आगे नहीं चल पा रहा है। हम अपनी भाषा पर गौरव सिर्फ दंगा करने के लिए करते हैं, संस्था बनाने के लिए नहीं। संस्था बनाने के लिए करते तो आज भारतेंदु जी के बनाए कॉलेज की ऐसी हालत ना होती। यूनिवर्सिटी सीरीज का यह 12वां अंक है। बनारस में सब BHU नहीं होता है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ भी होता है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय भी होता है। बनारस जिले में ही 5 यूनिवर्सिटी हैं और जिले में 8 सरकारी कॉलेज। कॉलेज का हाल भी जानेंगे मगर भारतेंदु जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बनारस में 2 ही तो हरिश्चंद्र हुए, एक राजा हरिश्चंद्र और दूसरे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु जी की जिंदगी मात्र 34 साल 3 महीने की रही और इतने कम समय में भी उन्होंने हिंदी को जीने के लिए कई सदियां दे दी। कुछ कमाल के नाटक लिखे, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, विशस्य विषमौषधम, प्रेम जोगिनी, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, उन्हीं का कहा हुआ है, जिसका मतलब है भाषा के विकास से ही विकास के सारे रास्ते खुल सकते हैं। मगर अब तो प्रगति, उन्नति, तरक्की सब विकास में समाहित हो चुके हैं। विकास के विरोध में मत बोलिएगा वरना 1 रुपया नहीं मिलेगा। आज जो आप हिंदी कहानी कविता पढ़ते हैं इसकी बुनियाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रखी थी। पत्रकारिता के जरिए समाज को बदलने का सपना, बराबरी के लिए हक मांगती स्त्रियां, ये सब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने छोटे से जीवन में हमें दिया। अंधेर नगरी की कल्पना भारतेंदु जी ने सिर्फ ब्रिटिश राज के लिए नहीं कही की थी, ऐसा होता तो 15 अगस्त 1947 के बाद यह मुहावरा ही मर जाता, अंधेर नगरी चौपट राजा टका सिर भाजी टका सिर खाजा। यह नाटक का कमाल है, इसी की एक पंक्ति में है, चूरन खावे एडिटर, एडिटर शब्द है, चूरन खावे एडिटर जात, जिनके पेट पचे नहीं बात, चूरन साहेब लोग जो खात सारा हिंद हजम कर जात, चूरन पुलिस वाले खाते सब कानून हजम कर जाते। इसलिए सत्ता के उस चूरन से बचिए जो आपको हजम करना चाहता है। आज भारत की यूनिवर्सिटी की हालत देखिए, यह दुनिया का अकेला ऐसा देश होगा जिसके क्लास में गुरु नहीं फिर भी वहां आने वाले छात्रों को विश्व गुरु बनने का चूरन बेचा जा रहा है। रो हूं सब मिली के आव हूं भारत भाई, हाहा भारत दुर्दशा ना देखी जाए, हे भारत के लोग, आप भारतवासी तुम सब आओ मिलकर रो क्योंकि मुझसे भारत की दुर्दशा देखी नहीं जा रही है। ये भारतेंदु जी की पंक्ति है, इसका यही मतलब है। भारतेंदु जी ने एक स्कूल की स्थापना की जो बाद में कॉलेज बना और उस कॉलेज की दुर्दशा अब नहीं देखी जा सकती, आप नहीं देख पाएंगे, मगर उसके लिए सारा भारत मिलकर नहीं रोएगा। भारत कहां कहां और किस किस कॉलेज के लिए रोएगा ये भी एक सवाल है। आपने बनारस के संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी का हाल तो देखा ही, रोने लायक कुछ बचा नहीं। आज बनारस के भारतेंदु हरिश्चंद्र कॉलेज का भी हाल लेंगे, डिग्री कॉलेज नाम है हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज। मेहनत हमारे सहयोगी अजय सिंह ने की है, प्रस्तुति मेरी है, दृश्य निर्माण और साज सज्जा भारतीय व्यवस्था के उपेक्षा मंत्रालय की है। कॉलेजों को देखकर यही लगता है कि भारतवर्ष में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम मानव संसाधन उपेक्षा मंत्रालय कर देना चाहिए। बनारस का मैदानी इलाका में है हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज। इस कॉलेज की स्थापना उन्हीं की ट्रस्ट ने की थी। 1866 का साल था, उन्होंने शिक्षा के महत्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए चौखंबा स्थित मकान में 5 छात्रों को लेकर एक पाठशाला की नींव रखी। इसका नाम चौखंबा स्कूल था। 1910 तक यह हाई स्कूल में बदला और 26 नवंबर 1909 को तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जॉन हिवेट ने मैदागिन में नए भवन का शिलान्यास किया। 1939 में यहाँ इंटरमीडिएट की कक्षा शुरू हो गई और 4 अक्टूबर 1951 को यह कॉलेज बन गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पहले संबंध था, 1960 में गोरखपुर विश्वविद्यालय से जुड़ा, उसके बाद पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से जुड़ा, आजकल महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यापीठ से जुड़ा हुआ है। दुनिया का यह अनोखा ऐसा कॉलेज है जिसे कॉलेज जैसा होने का भले सौभाग्य ना प्राप्त हुआ हो मगर 4-4 यूनिवर्सिटी से संबद्ध होने का सौभाग्य जरूर प्राप्त हुआ है। इसकी दुर्दशा बता रही है कि अब महाविद्यालय नहीं अहाविद्यालय हो गया है। मीडिया और राजनीति और खुद बनारस के लोगों ने बनारस के साथ एक अन्याय किया है। सारे शहर की विरासत को 2-4 चौक, 1 घाट और 2-3 गोलंबर तक में समेट दिया है।
यही कारण है कि हम बनारस में BHU और घाट के बारे में ही ज्यादा जानते हैं, जबकि बनारस में इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अजय सिंह ने मेहनत की है, इसलिए हम भी आराम आराम से बता रहे हैं कि कैसे हम सब ने आराम आराम से उच्च शिक्षा को निम्न शिक्षा में बदल दिया। 8,000 छात्र इस महाविद्यालय में पढ़ते हैं। सोचिए, जिस कॉलेज में 8,000 छात्र पढ़ते हो, उस कॉलेज में आपने किसी नेता को जाकर फोटो खिंचाते देखा है? कभी नाम सुना? मैंने नहीं सुना। इतना BHU होता है कि ये 8,000 छात्र भी खुद को BHU का ही समझते होंगे। इनकी अपनी कोई व्यथा ही नहीं, जैसे हर व्यथा की एक ही कथा है, BHU और BHU के काबिल वाइस चांसलर। बहरहाल, 8,000 छात्रों के लिए इस कॉलेज को 3 शिफ्ट में चलाया जाता है। यह कॉलेज सुबह 7:30 बजे जागता है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और लॉ के छात्रों को पढ़ाते पढ़ाते 7:30 बजे जाकर बंद होता है। मात्र 2 बीघे जमीन में यह महाविद्यालय बना हुआ है। 8,000 छात्रों के लिए सिर्फ 40 कमरे हैं। लड़के लड़कियों को भी देर शाम की शिफ्ट में क्लास करनी पड़ती है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री, नेपाल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय बीपी कोइराला, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद, बंगाल के भूतपूर्व राज्यपाल स्वर्गीय त्रिभुवन नारायण सिंह और ब्रिगेडियर उस्मान जैसे शख्स पढ़कर यहाँ से निकले हैं। शहर के बीचों बीच है ये कॉलेज, मगर कॉलेज के गेट पर टैक्सी स्टैंड है। दूर दराज से आने वाले शवों को लाने वाली गाड़ियां यहीं रुकती हैं। कॉलेज के भीतर जो जगह बचती है वो मोटरसाइकिल स्टैंड से भर जाती है। खेल का मैदान नहीं, यही नहीं, इस डिग्री कॉलेज में पिछले साल तक लड़कियों के लिए कोई शौचालय नहीं था। जी, पिछले साल जब खुशबू सिंह छात्र संघ की अध्यक्ष बनी, एक महिला छात्र संघ की अध्यक्ष बनी, तो उन्होंने काफी संघर्ष के बाद ये शौचालय बनवाया है। बन जाने से भारत में समस्या दूर नहीं होती। शौचालय की हालत बहुत खराब है, दरवाजे तक टूटे हुए हैं, साफ सफाई नहीं होती है। यहाँ महिला शौचालय नहीं था, लड़कियों को बहुत दिक्कत होता था। अरे, एक था भी, कॉमन रूम था, तो वो लोग 3 महीने के लिए लड़कियों के लिए खोलते थे, उसके बाद 9 महीने अपने कब्जे में कर लेते थे, वो ऑफिस बना लेते टीचर्स। जब मैं अध्यक्ष हुई तो उसके बाद मैंने महिला शौचालय बनाया, अभी 2 महीने पहले ही कंप्लीट हुआ है, लेकिन उसकी भी इतनी बुरी स्थिति है कि यहाँ पे साफ करने वाला कोई नहीं है, कर्मचारी नहीं है। स्वीपर, जो 2 स्वीपर हैं, एक हमारे प्रिंसिपल साहब से मैं बोलती हूँ तो एक आते ही नहीं है, एक है तो वो अपना प्रिंसिपल रूम ही साफ करवाते रहते हैं दिन भर, उसके बाद वो चला जाता है। बाथरूम का, शौचालय का कोई ख्याल ही नहीं रखता है कि लड़कियाँ हैं यहाँ पे, कैसे क्या करेंगी, कुछ इसका मतलब ही नहीं इस कॉलेज में। ये बनारस का हाल है। हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज में सिर्फ शौचालय ही गंदा नहीं है, बल्कि पूरे कैंपस में गंदगी इस तरह बिखरी पड़ी है जैसे यहाँ गंदगी की प्रयोगशाला स्थापित की गई हो। कॉलेज में सफाई कर्मी नहीं है, विज्ञापन से साफ होता नहीं होता है। स्वच्छता अभियान पे जितने विज्ञापन बन गए हैं उससे कहीं ज्यादा इन सब पर काम होता तो सफाई नजर आती। महाविद्यालय के प्रिंसिपल के पास समस्या के कारण के जवाब हैं। जब तक समस्या का कारण नहीं होता है तब तक समस्या का प्रसारण नहीं हो सकता है। छात्रों की संख्या लगातार इतनी अधिक है कि चतुर्थ श्रेणी में 2 कर्मचारी हैं, बहुत पहले से ये 2 पद स्वीकृत है और छात्रों की संख्या विगत 10 वर्षों में लगभग दोगुनी हो गई। जहां 4,000 लड़के हुआ करते थे 8,000 हो गए, तो वो पद उसी तरह है। एकाध अंशकालिक स्वीपर और रखा जाता है, कुछ दिनों में कोई एकाध कर्मचारी अगर बीमार हो गया तो दूसरे, एक बार सुबह एक बार शाम को सफाई कराई जाती है। लेकिन इनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि उनकी जो इसके प्रयोग करने की बारंबारता है, फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा है कि फिर उसके नाते बीच में गंदा दिखाई पड़ने लगता है। यह सरकारी जवाब का तरीका है, सफाई करने वाला नहीं है मगर 2 बार नियमित सफाई होती है। वाक्य संरचना देखिए, हम समझते हैं प्रिंसिपल साहब की मजबूरी, यह समस्या उनकी देन नहीं, उनका उन्होंने सिर्फ इस समस्या का संरक्षण किया है, पाला है, पोसा है। इस महाविद्यालय को चलाने के लिए कर्मचारियों की बहुत जरूरत है। किसी भी विश्वविद्यालय को परमानेंट नहीं रख सकते, तो महीने के 3,000 रुपए पर कर्मचारी रख लिए जाते हैं, 100 रुपए प्रतिदिन यानी न्यूनतम मजदूरी से भी कम। ये सब अपराध सरकार के इलाके में होते हैं, इदारे में। भारत की समस्याओं की एक खूबी होती है, जिम्मेदार का पता नहीं चलता, उस समस्या के शिकार का पता चल जाता है। इस व्यवस्था ने किस किस को डसा है वो आप चाहें तो पता कर सकते हैं। सर, यहाँ संविदा पे जो कर्मचारी रखे गए हैं उनका हालात समझ लीजिए मनरेगा मजदूर से भी खराब है। पता लगता है कि छुट्टियों में उनकी सारी सैलरी कट जाती है, उस दिन का कोई पेमेंट नहीं होता है और उनको महीना पूरा होते होते 2500-2200 ये मिलता है। 2500-2200 में हमें लग रहा है कि बनारस जैसे सिटी में, सेकेंड ग्रेड की सिटी है, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है।
किसी कर्मचारी बंधु का समझ लिए 3,000 के ऊपर नहीं जा पाता है। अब आप समझते हैं कि क्यों नेता आपको टीवी के जरिए हिंदू मुस्लिम में उलझा कर रखते हैं। वो इसलिए उलझा कर रहते हैं कि ताकि आपके बच्चे बर्बाद हों और अगर नौकरी करने लायक हो भी जाएं तो 3,000 से ज्यादा ना मिले। यही है हिंदू मुस्लिम राजनीति का लॉजिक। मानदेय पर ध्यान दे अपेक्षित है, समाधान नहीं है, मगर प्रधानाचार्य महोदय के पास समस्या के अगेन यानी फिर से कारण मौजूद है। हमारे यहाँ जो पद समूह घ के चतुर्थ श्रेणी के रिक्त हैं उनको हम लोग भर नहीं पा रहे हैं। अब ये भी तय नहीं हो पा रहा है कि वो शासन द्वारा भर के आएंगे कि उसको जैसे पूर्व में कॉलेज के द्वारा भरा जाता था उस तरह भरा जाएगा। तो ये रिक्तियाँ कई वर्षों से चली आ रही हैं। चूँकि कामकाज प्रभावित न हो इसलिए उन पदों पर हम लोग अंशकालिक तौर पर कर्मचारियों को मानक के हिसाब से समय के हिसाब से रखते हैं कि मानक जरूरी है। भारत के कॉलेजों को ऑटोमेटिक घोषित कर देना चाहिए, खासकर उन कॉलेजों को जहां 40-50% शिक्षकों की कमी है। ऑटोमेटिक कॉलेज उस कॉलेज को कहेंगे प्राइम टाइम के बाद से जहां छात्र एडमिशन तो लेगा मगर बिना प्रोफेसर लेक्चरर से पढ़े उसकी शक्ल देखे पास हो जाएगा, इसे ऑटोमेटिक कॉलेज कहा जाएगा। कायदे से भारत में फीस वापसी का आंदोलन चलना चाहिए। जब प्रोफेसर ने पढ़ाया ही नहीं तो फीस किस बात की ली गई? भारत के ही छात्र अपना डेवलपमेंट खराब कर कॉलेज के डेवलपमेंट के लिए फीस दे रहे हैं, ये इसी देश में हो सकता है? अब आप अगली सूची देखिए और अपने बच्चों से पूछिएगा कि तुम जहां जाते हो वहां कोई आता भी है पढ़ाने के लिए? अंग्रेजी विभाग में 2 पद स्वीकृत हैं मगर कोई टीचर नहीं, ये ऑटोमेटिक डिपार्टमेंट है। हिंदी विभाग में 4 पद स्वीकृत हैं मगर 3 टीचर हैं। रसायन विभाग में 8 पद स्वीकृत हैं मगर 3 टीचर नहीं हैं, 5 से काम चल रहा है। भौतिकी विभाग में 5 पद स्वीकृत हैं, ये सब जब 4,000 की संख्या थी तब के हिसाब से है, जिनमें से 4 टीचर नहीं है। सांख्यिकी विभाग में 4 पद स्वीकृत हैं मगर 1 ही टीचर पढ़ा रहे हैं। वनस्पति विभाग में 4 पोस्ट हैं मगर 2 ही टीचर पढ़ा रहे हैं। कानून विभाग में 15 पोस्ट मंजूर हैं मगर 9 पद खाली हैं। अर्थशास्त्र और इतिहास विभाग में 2-2 पद स्वीकृत हैं मगर 1-1 टीचर है। जिस भारतेंदु हरिचंद ने हिंदी को हिंदी दी उनके शुरू किए गए स्कूल से बने कॉलेज में हिंदी की भी हालत खराब है, मगर विभाग के बाहर पट्टी की हालत खराब नहीं है, वो ठीक से पुती गई, पोता गया, लिखा गया है हिंदी विभाग। विभाग का कमरा जर्जर कॉलेज के भीतर नदी के द्वीप की तरह लगा। हिंदी विभाग के पास अपना पुस्तकालय नहीं है, कॉलेज का एक सामूहिक पुस्तकालय है मगर वहां भी जमाने से किताब नहीं खरीदी गई है। लाइब्रेरी की रैक पर पुरानी किताबें तो हैं मगर अब वो कोर्स से अपने आप बाहर हो चुकी हैं। इसके बाद भी आप कहते हैं कि मैं पॉजिटिव स्टोरी नहीं दिखाता। बताइए, बिना टीचर के, बिना किताब के, बिना लाइब्रेरी के हजारों बच्चे पढ़कर पास हो रहे हैं, इससे बड़ी पॉजिटिव स्टोरी दुनिया में क्या हो सकती है, आप बताइए। अलग से कोई पुस्तकालय नहीं है, पुस्तकें क्रय की जाती हैं महाविद्यालय जो विद्यार्थियों से शुल्क लेता है उस आधार पे, उस पैसे से ली जाती हैं। परिणामतः जितनी पुस्तकें चाहिए हम क्रय करें, विद्यार्थियों के सामने रखें, एक अलग से उनको कक्ष मुहैया कराएं, पढ़ें, उनसे रूबरू हों, ये सारी चीज़ें, इन सब का अभाव है कि यहाँ बिल्कुल पढ़ाई का वातावरण नहीं। कितनी बार हम लोगों ने जिला प्रशासन से अपनी बात कही कि यहाँ पर जो टैक्सी स्टैंड है, जो सौ वाहन स्टैंड है, इसको यहाँ से अन्यत्र ले जाएं ताकि पढ़ाई का माहौल हो, अध्ययन अध्यापन का माहौल हो। भारत के कॉलेज बगैर शिक्षक के पढ़ाने की नायाब प्रयोगशाला हो चुके हैं। यही कारण है कि आज भारत में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्यादा लोकप्रिय है। एक सज्जन ने कहा कि मैं ये सीरीज बंद कर दूं, बोरियत होती है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कहने वाले सही हों, पर मैं यही तो देखना चाहता हूं कि किस किस को फर्क नहीं पड़ता। क्या आप भी उन माता पिता में से हैं या छात्रों में से हैं जिन्हें फर्क नहीं पड़ता? अजय सिंह ने जो हाल लिया है वो हाल अब आप उनकी नजर से देखिए। अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये लैब जो है बहुत पुराना है, इसके जितने भी केमिकल या रीजेंट हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो पुरानी हो चुकी हैं, ख़राब होती है, जिसकी फाइंडिंग नहीं आती। यहाँ पर हमारे साथ कुछ स्टूडेंट, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, कैसा है, इनसे जानने की कोशिश करें कि सर ये बताओ कि तुम्हें क्या दिक्कत आती है यहाँ पर, लैब कैसा है आपका? लैब तो आप देख ही रहे हैं कितना गंदा है,
कितनी मुश्किल हो रही है, रिजल्ट नहीं आ रहा है और बहुत देरी से ये प्रैक्टिकल चल रहा है लेकिन कुछ फाइंड नहीं हुआ है। यहाँ पे लैब की जो देख रहे हैं आप स्थिति, ये टेस्ट ट्यूब और ये सारे केमिकल्स ये बहुत अच्छे क्वालिटी के नहीं हैं, जो भी हों एक्सपायर होंगे तभी ऐसा है, इसीलिए नहीं आ रहा है रिजल्ट। और सुविधाएँ नहीं हैं, सुविधाएँ नहीं हैं। अच्छा, हमने ये देखा कि आप लोगों ने बिना ग्लव्स लगाए इतने केमिकल का यूज़ करती हो, क्या दिक्कतें रोज़ हाथ में आती है, कुछ होता है? कुछ लड़कियां बता रही थी कि हमारी जीन्स जल गई। हाँ, कपड़े अक्सर जल जाते हैं हम लोगों के, कपड़े तो अक्सर ख़राब हो जाते हैं, हाथ भी कभी कभी जल जाता है, तो हम लोगों को ग्लव्स अवेलेबल कराना चाहिए इस कॉलेज को। हम लोग कई बार अपने से ग्लव्स ख़रीदते हैं लेकिन ग्लव्स होता है यूज़ एंड थ्रो, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है हम लोगों के लिए, तो हम लोग बहुत नहीं कर पाते। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ कुमार सोनकर है। सौरभ, ये बताओ कि तुम्हें क्या समस्या प्राप्त? मेरे पास हमको कब से कैल्शियम क्लोराइड के लिए ढूंढ रहे हैं, MSc वाले लैब से आगे BSc में आ रहे, नहीं मिला, मिला भी तो पूरा बॉटल खाली है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी खोज रहे थे, वो भी नहीं मिल रहा है, 3-4 डेस्क खोज रहे नहीं मिल रहा है, उसमें तो है ही नहीं है। तो ये एक छोटा सा नमूना था इसकी बदहाली का। सरकारी एडेड कॉलेज है ये, शिक्षक कर्मचारियों का वेतन सरकार देती है मगर कॉलेज को फीस के जरिए अपना विकास करना होता, विकास आ गया सॉरी, फीस कम होने के कारण भी विकास बाकी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं। प्रिंसिपल कहते हैं कि इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बहुत क्रेज है। यही बात समझ से बाहर है कि जहां टीचर ना हो, क्लास में पंखे ना हो, वहां भी एडमिशन के लिए क्रेज है, या छात्रों के पास एडमिशन के अलावा कोई दूसरा क्रेज नहीं है। एडमिशन ही देश को महान बनाता है, ये स्लोगन लिख देना चाहिए कॉलेज की दीवारों पर। इस कॉलेज का एक क्रेज बहुत है लोगों में प्रवेश लेने का, और हमारे यहाँ प्रथम वर्ष की कक्षाओं के लिए लगभग 2200-2400 जो सीट है उसमें प्रवेश के लिए 20,000 या उससे अधिक लड़के एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। प्रवेश परीक्षा शुल्क भी स्नातक का 400 और स्नातकोत्तर का 500 रुपया है। उस फंड से जो हमारी बचत हो जाती है, उस फंड से, प्रवेश परीक्षा फंड से हम लोग अपने यहाँ अंशकालिक अध्यापक जिनकी संख्या लगभग 40-50 के लगभग है, जो रिक्त पदों पर, जो जहाँ स्थायी अध्यापकों का पद रिक्त है उन पदों पर उन्हें रख करके उनको एक न्यूनतम पीरियड के आधार पर भुगतान करते हैं, और वर्तमान में अधिकतम भुगतान उनका 9,000 हम करते हैं। सोचिए 9,000 रुपये कॉलेज में पढ़ाने के मिल रहे हैं, ये मजाक नहीं चल रहा तो क्या चल रहा है? भारत की समस्याओं की एक और खासियत है, इन्हें दूर करने के नाम पर कई नेता आते हैं, फिर कुछ समय बाद वे सारे नेता उस समस्या से ही दूर चले जाते हैं, समस्या चुपचाप वहीं खड़ी रहती है। यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर भारतेंदु ट्रस्ट की 52 बीघा जमीन है। कॉलेज ने वहाँ कुछ क्लास चलाने की अनुमति मांगी मगर अनुमति नहीं मिली। मुझे शक है कि शासन में बैठे लोगों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र से बदला लिया है। यही बदला लिया है कि उन्होंने अंधेर नगरी चौपट राजा नाम का नाटक क्यों लिखा। भारतेंदु जी ये नाटक न लिखते कि दुनिया के राजाओं के चौपट कारनामों पर हंसी न उड़ती। वैसे अखिलेश यादव की सरकार ने 1 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी थी मगर कॉलेज के पास कागज नहीं और कागजी खानापूर्ति नहीं हो सकी तो ये फंड आज तक कॉलेज नहीं पहुंचा। हिंदी और संस्कृत के नाम पर राजनीति में दंगा हो जाने तक की संभावना है, उत्तर और दक्षिण भारत जल जाते हैं। मगर इसके नाम पर ना तो टीचर रखे जाते हैं ना उन्हें सम्मानजनक वेतन दिया जाता है। इस राजनीति का चयन आपने किया है, आपने देखा कि संस्कृत शिक्षा की कितनी हालत कितनी खराब है। अब आप आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद के बनाए स्कूल कॉलेज की हालत अपनी आंखों से तो देख लिया। वैसे आज भारतेंदु हरिश्चंद्र के बनाए संस्थान की रिपोर्ट पेश कर अच्छा नहीं लग रहा है। क्या भारत की जनता ने वाकई कसम खा रखी है कि राजनीति में जब भी बात करेंगे ये हिंदू मुसलमान और फालतू के प्रोपेगेंडा पर ही बात करेंगे, पढ़ाई लिखाई अस्पताल की बात हम करेंगे नहीं? क्या आपने कसम खा रखी है? इस सवाल का जवाब आप खुद दीजिएगा। क्या वाकई ऐसा है? ब्रेक के बाद हम JNU चलेंगे, वहां के शिक्षकों ने कम से कम इतनी हिम्मत तो दिखाई है कि वाइस चांसलर के खिलाफ आरोप पत्र तैयार कर लाए हैं और पब्लिक में 5 दिन तक उसका पाठ करेंगे। वाइस चांसलर ने भी इसे नहीं रोका है, ये सिर्फ JNU में हो सकता है। बाकी BHU में जब लड़कियां लाठी खा रही थी तब वहां के टीचर या तो चुप थे या वाइस चांसलर के साथ मिलकर लाठी खाने वाली लड़कियों के खिलाफ ही कथित रूप से आरोप पत्र बना रहे थे। ब्रेक के बाद हम एक और ब्रोकन सिस्टम की बात करेंगे।